ओम शांति। आज 2 अक्टूबर 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को कर्म योगी बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। बाबा कहे, बच्चे तुम्हें हर कर्म बाप की याद में रह करके करना है, चाहे वो सेवा कर रहे हो अर्थात किसी को बाप का परिचय दे रहे हो, तो भी बाबा की याद में अगर रह करके उनको परिचय भी देंगे तो उन्हें साक्षात्कार होगा। या बाबा कहे, तुम भोजन बनाते हो, तो भोजन जब बाबा की याद में बनाते हो और वो भोजन जब कोई स्वीकार करता है तो उनका हृदय शुद्ध हो जाता है। इसीलिए तो ब्रह्मा भोजन की बहुत बहुत महिमा है कि बाबा की याद में रह करके बनाए हुए भोजन को देवताएं भी तरसते हैं, इच्छुक रहते हैं। साथ ही बाबा कहे, इस भोजन खाने से तुम्हें ताकत भी मिलती है और हृदय परिवर्तन होने लगता है। तो इसीलिए हर कर्म बाबा की याद में रह करके जितना करेंगे उतना कर्म योगी नेचुरल हो जाएंगे। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, याद में रहकर हर कर्म करो तो अनेकों को तुम्हारा साक्षात्कार होता रहेगा। आज की मुरली से प्रश्न है, संगम युग पर किस विधि से अपने हृदय को शुद्ध यानी पवित्र बना सकते हो? उत्तर है, याद में रहकर भोजन बनाओ और याद में खाओ तो हृदय शुद्ध हो जाएगा। संगम युग पर तुम ब्राह्मणों द्वारा बनाया हुआ पवित्र ब्रह्मा भोजन देवताओं को भी बहुत पसंद है। जिनको ब्रह्मा भोजन का कदर रहता वह थाली धोकर भी पी लेते हैं। महिमा भी बहुत है, याद में बनाया हुआ भोजन खाने से ताकत मिलती है, हृदय शुद्ध हो जाता है। ओम शांति। संगम पर ही बाप आते हैं। रोज बच्चों को कहना पड़ता है कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। ऐसा क्यों कहते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो? बच्चों को ये याद पड़े, बरोबर बेहद का बाप है। आत्माओं को पढ़ाते हैं, सर्विस के लिए भिन्न भिन्न पॉइंट्स पर समझाते हैं। बच्चे कहते हैं सर्विस नहीं है। कई बार बच्चे बाबा से कहते, बाबा सर्विस नहीं है, हम बाहर में सर्विस कैसे करें? बाप सर्विस की युक्तियां तो बहुत ही सहज बतलाते हैं। कितनी सहज बाबा ने विधि बताई है जो कहते बाबा सर्विस नहीं है। चित्र हाथ में हो, रघुनाथ का काला चित्र भी हो, गोरा भी हो, श्री कृष्ण का व श्री नारायण का चित्र गोरा भी हो, काला भी हो, बल छोटे चित्र भी हो, बाबा कहे बल छोटे चित्र ही हो, श्री कृष्ण का इतना छोटा चित्र भी बनाते हैं तुम मंदिर में पुजारी से पूछ सकते हो, इनको काला क्यों बनाया जबकि असल गोरा था? बाबा कहे, पुजारी से भी जाकर के पूछो इनको काला क्यों बनाया है जबकि असल गोरा था। वास्तव में तो शरीर काला नहीं होता है ना, तुम्हारे पास बहुत अच्छे गोरे गोरे भी रहते हैं, परंतु इनको काला क्यों बनाया है? यह तो तुम बच्चों को समझाया गया है, आत्मा कैसे भिन्न भिन्न नाम रूप धारण करते नीचे उतरती है। जब से काम चित्ता पर चढ़ती है तब से काला बनती है। जगन्नाथ व श्रीनाथ द्वारे में ढेर यात्री होते हैं, तुमको निमंत्रण भी मिलते हैं, बोलो
हम श्रीनाथ के 84 जन्म की जीवन कहानी सुनाते हैं। भाइयों और बहनों आकर सुनो, ऐसा भाषण और कोई तो कर न सके। तुम समझा सकते हो ये काला क्यों बने हैं। हर एक को पावन से पतित जरूर बनना है। देवताएं जब वाम मार्ग में गए हैं तब उन्हें काला बनाया है। काम चिता पर बैठने से आयरन एजेड बन जाते हैं। आयरन का कलर काला होता है, सोने का गोल्डन, उनको कहेंगे गोरा। वही फिर पूरे 84 जन्म के बाद काले बनते हैं। सतयुग से आत्मा नीचे उतरती आई है या गोल्डन एज से आत्मा नीचे उतरती आई है, एकदम आयरन एज में काली हो गई है। सीढ़ी का चित्र भी जरूर हाथ में हो। सीढ़ी भी बड़ी हो तो कोई भी दूर से देख सकेंगे अच्छी रीति, और तुम समझाएंगे कि भारत की यह गति है। भारत के उत्थान और पतन की ये कहानी है, यह इसकी गति है। लिखा हुआ भी है उत्थान और पतन। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। समझाना है यह दुनिया का चित्र कैसे फिरता है। चक्र पर बाबा कहे, समझाना है ये दुनिया का चक्र कैसे फिरता है। गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज, फिर ये पुरुषोत्तम संगम युग भी दिखाना है। बोल बहुत चित्र नहीं उठाओ, सीढ़ी का चित्र तो मुख्य है भारत के लिए। तुम समझा सकते हो अब फिर से पतित से पावन तुम कैसे बन सकते हो। पतित पावन तो एक ही बाप है, उनको याद करने से सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। तुम बच्चों में ये सारा ज्ञान है, बाकी तो सब अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। बाबा कहे, तुम बच्चों में ये सारा ज्ञान है, बाकी तो सब अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। भारत ज्ञान में था तो बहुत धनवान था, अर्थात ज्ञान की प्रालब्ध में था तो बहुत धनवान था। अभी भारत अज्ञान में है तो कितना कंगाल है। ज्ञानी मनुष्य और अज्ञानी मनुष्य होते हैं ना, देवी देवता और मनुष्य तो नामी ग्रामी है। देवताएं सतयुग त्रेता में, मनुष्य द्वापर कलयुग में। बच्चों की बुद्धि में सदैव रहना चाहिए सर्विस कैसे करें, वह भी बाप समझाते रहते हैं। सीढ़ी का चित्र समझाने के लिए बहुत अच्छा है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहो, शरीर निर्वाह के लिए धंधा आदि तो करना ही है, जिस्मानी विद्या भी पढ़नी है, बाकी जो टाइम मिले तो सर्विस के लिए ख्याल करना चाहिए। हम औरों का कल्याण कैसे करें, यहां तो तुम बहुतों का कल्याण नहीं कर सकते हो। बाबा कहे, यहां तो तुम बहुतों का कल्याण नहीं कर सकते हो, यहां तो आते ही है बाप की मुरली सुनने। मधुबन में बाबा कहे, जो आते हैं वो बाबा के बच्चे ही आते हैं। तो कल्याण जो करना है कि अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान सुनाते हुए उनका कल्याण करना है, तो इसलिए बाबा कहे यहाँ तो इतने नहीं आते हैं, यहाँ तो जो आते भी है बाप की मुरली सुनने, इसमें ही जादू है। बाप को जादूगर कहते हैं ना, गाते भी है मुरली तेरी में है जादू। तुम्हारे मुख से जो मुरली बजती है उसमें जादू है। मनुष्य से देवता बन जाते हैं, ऐसा कोई जादूगर होता नहीं सिवाय बाप के। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। पुरानी दुनिया से नई दुनिया होनी जरूर है, पुरानी का विनाश भी जरूर होना है। इस समय तुम राजयोग सीखते हो तो जरूर
राजा भी बनना है। अभी तुम बच्चे समझते हो, 84 जन्मों के बाद फिर पहला नंबर जन्म चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। सत्युग त्रेता जो भी होकर गया है, सो फिर रिपीट होना है जरूर। हिस्ट्री मस्ट रिपीट कहा जाता है, कहा भी जाता है कि इतिहास का पुनरावृत्ति जरूर होती है। तो इसीलिए बाबा कहे, सत्युग त्रेता जो भी होकर गया है, सो फिर रिपीट होना है जरूर। तुम यहां बैठे हो तो भी बुद्धि में ये याद करना है कि हम वापस जाते हैं, फिर सतो प्रधान देवी देवता बनते हैं, उनको देवता कहा जाता है। अभी मनुष्य में दैविक गुण नहीं है, तो सर्विस तुम कहां भी कर सकते हो। बाबा कहे, मंदिरों के बाहर भी कर सकते हो, कहां भी कर सकते हो। कितना भी धंधा आदि हो, गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कमाई करते रहना है। इसमें मुख्य बात है पवित्रता की। प्योरिटी है तो पीस प्रॉस्पेरिटी है। कंप्लीट प्योर बन गए तो फिर यहां नहीं रह सकते, क्योंकि हमको शांति धाम जरूर जाना है। आत्मा प्योर बन गई तो फिर आत्मा को इस पुराने शरीर के साथ नहीं रहना है। यह तो इम्प्योर है ना, 5 तत्व ही इम्प्योर है। शरीर भी इनसे ही बनता है, इनको मिट्टी का पुतला कहा जाता है। 5 तत्व का शरीर, एक खत्म होता है, दूसरा बनता है। आत्मा तो है ही, आत्मा कोई बनने की चीज नहीं है, आत्मा अनादि है। शरीर पहले कितना छोटा, फिर कितना बड़ा होता है, कितने ऑर्गन्स मिलते हैं जिससे शरीर सारा पार्ट बजाते हैं। ये दुनिया ही वंडरफुल है। सबसे वंडरफुल है बाप, जो आत्माओं का परिचय देते हैं। बाबा कहे, सबसे वंडरफुल है बाप, जो आत्माओं का परिचय देते हैं। हम आत्मा कितनी छोटी है, आत्मा प्रवेश करती है। हर एक चीज वंडरफुल है। जो भी इन आंखों से दिखाई नहीं देती, वो सारी चीज बाबा कहे वंडरफुल है। जानवरों के शरीर आदि कैसे बनते हैं, वंडर है ना। आत्मा तो सब में वही छोटी है। हाथी कितना बड़ा है, उनमें इतनी छोटी आत्मा जाकर बैठती है। बाप तो मनुष्य जन्म की बात समझाते हैं, जानवरों के जन्म की कहानी नहीं सुनाते। बाबा तो आकर के हम बच्चों को मनुष्य जन्म की बातें समझाते हैं। मनुष्य कितने जन्म लेते हैं, 84 लाख जन्म तो है नहीं। समझाया है, जितने धर्म है उतनी वैरायटी बनती है। हर एक आत्मा कितने फीचर्स का शरीर लेती है, वंडर है ना। तो जब चक्र रिपीट होता है, हर जन्म में फीचर्स, नाम रूप आदि बदल जाते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कृष्ण काला, कृष्ण गोरा, नहीं। उनकी आत्मा पहले गोरी थी, फिर 84 जन्म लेते लेते काली बनती है। तुम्हारी भी आत्मा भिन्न भिन्न फीचर्स, भिन्न भिन्न शरीर लेकर पार्ट बजाती है। यह भी ड्रामा है। तुम बच्चों को कभी भी कोई फिक्रात नहीं होनी चाहिए, सब एक्टर्स है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर फिर पार्ट बजाना ही है। हर जन्म में संबंध आदि बदल जाता है। तो बाप समझाते हैं, ये बना बनाया ड्रामा है। बाबा कहे, हर जन्म में हमारे शरीर के फीचर्स तो बदलते ही है, लेकिन उसके साथ संबंध भी बदल जाते हैं। यानी इस जन्म में जो भी संबंध है, वो सिर्फ इस जन्म तक सीमित है, आगे के जन्म में फिर बदल जाएंगे। अब बाबा कहे, आत्मा को सतो प्रधान बनना है, पावन तो जरूर बनना है,
पावन सृष्टि थी, अब पतित है, फिर पावन होनी है। सतो प्रधान तमो प्रधान अक्षर तो है ना, सतो प्रधान सृष्टि, फिर सतो रजो तमो सृष्टि, एकदम सतो प्रधान सृष्टि, फिर बाबा कहे अभी सतो रजो और एकदम तमो सृष्टि हो गई है। अभी जो तमो प्रधान बने हैं वही फिर सतो प्रधान कैसे बने, पतित से पावन कैसे बने? बरसात के पानी से तो पावन नहीं बनेंगे, बरसात से तो मनुष्य का मौत भी हो जाता है, फ्लड्स हो जाती है तो कितने डूब जाते हैं। अभी बाप समझाते रहते हैं ये सब खंड नहीं रहेंगे, जो अलग अलग खंड है बाबा कहे ये खंड नहीं रहेंगे, नेचुरल कैलमिटीज भी मदद देगी। कितने ढेर मनुष्य जानवर आदि बह जाते हैं, ऐसे नहीं कि पानी से पावन बन जाते हैं, वो तो शरीर चला जाता है, शरीरों को तो पतित से पावन नहीं बनना है, पावन बनना है आत्मा को। सो पतित पावन तो एक बाप है, बल व जगत गुरु कहलाते हैं, परंतु गुरु का तो काम है सदगति देना, लेकिन जगत गुरु कहलाते हैं, सदगति किसी की भी नहीं कर सकते, बतो एक ही बाप सदगति दाता है। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक ही बाप है जो सदगति दाता है, बाप सतगुरु ही सदगति देते हैं। बाप समझाते तो बहुत रहते हैं, यह भी सुनते हैं ना गुरु लोग की बाजू में, गुरु लोग भी बाजू में शिष्य को बिठाते हैं सिखलाने के लिए, यह भी उनके बाजू में बैठता है, ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा के बाजू में बैठता है, बाप समझाते हैं तो यह भी समझाते होंगे ना, इसलिए गुरु ब्रह्मा नंबर वन में जाता है। गुरु ब्रह्मा क्यों कहा? क्योंकि बाबा कहे जो शिव बाबा समझाते हैं वो फिर ब्रह्मा बाबा अच्छी तरह से क्लियर करके विस्तार से समझाते हैं, तो इसीलिए गुरु ब्रह्मा नंबर वन में जाता है। शंकर के लिए तो कहते हैं आंख खोलने से भस्म कर देते हैं, फिर उन्हों को गुरु नहीं कहा जाए, फिर उनको तो गुरु नहीं कहा जाए जो कहते भाई आंख खोलने से भस्म कर देते हैं। इसके लिए शंकर के लिए, शंकर के लिए तो कहते हैं आंख खोलने से भस्म कर देते हैं, फिर उनको तो गुरु नहीं कहा जाए, फिर भी बाप कहते हैं बच्चों माँ में कम याद करो। कई बच्चे कहते हैं इतने धंधे धोरी की फिक्रात में रहते हैं, हम अपने को आत्म समझ बाप को कैसे याद करें? बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में भी तुम हे ईश्वर हे भगवान कह याद करते हो ना, याद तब करते हो जब कोई दुख होता है, मरने समय भी कहते हैं राम राम बोलो। बहुत संस्थाएं हैं जो राम नाम का दान देती है, जैसे तुम ज्ञान का दान देते हो वह फिर कहते हैं राम बोलो राम बोलो, तुम भी कहते हैं शिव बाबा को याद करो, वह तो शिव को जानते ही नहीं ऐसे राम राम कह देते हैं। अब यह भी क्यों कहते हैं राम राम, क्यों कहते हैं कि राम कहो जबकि परमात्मा सब में है? अगर सर्वव्यापी की बात को ले तो बाबा कहे अब यह भी क्यों कहते कि राम कहो राम बोलो जबकि परमात्मा सब में है? बाप बैठ समझाते हैं राम व कृष्ण को परमात्मा नहीं कहा जाता, उन्हें देवता कहा जाता है, उनकी भी कलाएं कम होती जाती है, हर एक चीज की कला कम तो होती ही है, कपड़ा भी पहले नया फिर पुराना होता है, तो बाप इतनी बातें समझाते रहते हैं फिर भी कहते हैं, इतनी बात बाबा समझाते हैं फिर भी कहते हैं
मेरे मीठे मीठे रूहानी बच्चों, अपने को आत्मा समझो, सिमर सिमर सुख पाओ। यहां तो दुख धाम है, बाप को और वर्षे को याद करो, याद करते करते अथाह सुख पाएंगे। कलह क्लेश बीमारी आदि जो भी है सब छूट जाएगी, बाबा की याद से सब छूट जाएगी। तुम 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जाते हो, कलह क्लेश मिटे सब तन के, जीवन मुक्ति पद पाओ। गाते हैं परंतु एक्ट में नहीं आते हैं, तुमको बाप प्रैक्टिकल में समझाते हैं। बाप को सिमरो तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी, सुखी हो जाएंगे। मोचरा खाकर मानी टुकड़ा खाना, अर्थात सजा खाकर रोटी का टुकड़ा खाना अच्छा नहीं है। सबको ताजी रोटी पसंद आती है, आजकल तो तेल ही चलता है, वहां तो घी की नदियां बहती है। तो बच्चों को बाप का सिमरण करना है, बच्चों को क्या करना है, बाप का सिमरण करना है। बाबा ऐसे भी नहीं कहते यहां बैठकर बाप को याद करो, नहीं, चलते फिरते घूमते शिव बाबा को याद करना है ना। आज बाबा कर्म योगी बनाते हैं, नौकरी आदि भी करनी है, बाप की याद बुद्धि में रहनी चाहिए। लौकिक बाप के बच्चे नौकरी आदि करते हैं तो याद रहता ही है ना। कोई भी पूछेगा तो झट बताएंगे हम किसके बच्चे हैं। बुद्धि में बाप की प्रॉपर्टी भी याद रहती है। तुम भी बाप के बच्चे बने हो तो प्रॉपर्टी याद है, बाप को भी याद करना है और कोई से संबंध नहीं। आत्मा में ही सारा पाठ नूंदा हुआ है जो इमर्ज होता है। एक बाबा को याद करना है, बाकी बाबा कहे और कोई से संबंध नहीं। क्योंकि जैसे दुनिया में भी कहा जाता है ये स्वार्थ की दुनिया है, तो बाबा कहे जितना बाबा को याद करेंगे तो प्राप्ति होगी। लौकिक संबंधों के साथ निभाना जरूर है, लेकिन याद बाप को करना है। इस ब्राह्मण कुल में तुम्हारा जो कल्प कल्प पाठ चला है वही इमर्ज होता रहता है। बाप समझाते हैं खाना बनाओ, मिठाई बनाओ, शिव बाबा को याद करते रहो। शिव बाबा को याद कर बनाएंगे तो मिठाई खाने वाले का भी कल्याण होगा, कहा साक्षात्कार भी हो सकता है, ब्रह्मा का भी साक्षात्कार हो सकता है। शुरू शुरू में तो ब्रह्मा का ही साक्षात्कार हुआ, शिव बाबा को तो कोई समझते नहीं थे। शुद्ध अन्न पड़ता है तो ब्रह्मा का, श्री कृष्ण का, शिव का साक्षात्कार कर सकते हैं। ब्रह्मा है यहां, ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम तो होता है ना, बहुतों को साक्षात्कार होते रहेंगे क्योंकि बाप को याद करते हो ना। बाप युक्तियां तो बहुत ही बताते हैं, वह मुख से राम राम बोलते हैं, तुमको मुख से कुछ भी बोलना नहीं है, साइलेंस में रहना है। जैसे वह लोग समझते हैं गुरु नानक को भोग लगा रहे हैं, तुम भी समझते हो हम शिव बाबा को भोग लगाने के लिए बनाते हैं। शिव बाबा को याद करते बनाएंगे तो बहुतों का कल्याण हो सकता है, उस भोजन में ताकत हो जाती है। इसलिए बाबा भोजन बनाने वाले को भी कहते हैं, शिव बाबा को याद कर बनाते हो ना? जो मधुबन में भोजन बनाने वाले थे, बाबा विशेष भंडारे में चक्कर लगाते हुए कहते थे, शिव बाबा को याद कर बनाते हो, लिखा हुआ भी है, शिव बाबा याद है। जगह जगह ऐसी प्लेट बनी हुई थी जो लिखा होता था, शिव बाबा याद है, वर्षा याद है। याद में रहकर बनाएंगे
तो खाने वालों को भी ताकत मिलेगी। हृदय शुद्ध होगा, ब्रह्मा भोजन का गायन भी है ना। ब्राह्मणों का बनाया हुआ भोजन देवताएं भी पसंद करते हैं, यह भी शास्त्र में है। ब्राह्मणों का भोजन बनाया हुआ खाने से बुद्धि शुद्ध हो जाती है, ताकत रहती है। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। ब्रह्मा भोजन का जिनको कदर रहता है, थाली धोकर भी पी लेते हैं, इतने साफ कर देते हैं, बहुत उच्च समझते हैं। भोजन बिगर तो रह न सके, फैमिन में भोजन बिगर मर जाते हैं। आत्मा ही भोजन खाती है, इन ऑर्गन्स द्वारा स्वाद लेती है। अच्छा बुरा आत्मा ने कहा ना, ये बहुत स्वादिष्ट है, ताकत वाला है, आगे चल जैसे तुम उन्नति को पाते रहेंगे। बाबा कहे आगे चल करके जैसे जैसे आत्मा की उन्नति होती रहेगी, वैसे वैसे बाबा कहे भोजन भी तुमको ऐसा मिलता रहेगा। इसलिए बच्चों को कहते हैं शिव बाबा को याद कर भोजन बनाओ। बाप जो समझाते हैं उनको अमल में लाना चाहिए ना। तुम हो पियर घर वाले, जाते हो ससुर घर, सूक्ष्म वतन में भी आपस में मिलते हो, भोग ले जाते हैं, देवताओं को भोग लगाते हैं ना। देवताएं आते हैं तो तुम ब्राह्मण वहां जाते हो, वहां महफिल लगती है। बाबा कहे वहां फिर महफिल लगती है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, किसी भी बात की फिक्रात नहीं करनी है, क्योंकि यह ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। सभी एक्टर्स इसमें अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। दूसरी पॉइंट, जीवन मुक्ति पद पाने व सदा सुखी बनने के लिए अंदर में एक बाप का ही सिमरण करना है। मुख से कुछ भी बोलना नहीं है। भोजन बनाते व खाते समय बाप की याद में जरूर रहना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, स्वार्थ, ईर्ष्या और चिड़चिड़ापन से मुक्त रहने वाले क्रोध मुक्त भव। स्वार्थ, ईर्ष्या और चिड़चिड़ापन से मुक्त रहने वाले क्रोध मुक्त भव। कोई भी विचार भले दो, सेवा के लिए स्वयं को ऑफर करो, लेकिन विचार के पीछे उस विचार को इच्छा के रूप में बदली नहीं करो। जब संकल्प इच्छा के रूप में बदलता है तब चिड़चिड़ापन आता है, लेकिन निस्वार्थ होकर के विचार दो, स्वार्थ रखकर नहीं। मैंने कहा तो होना ही चाहिए, ये नहीं सोचो। ऑफर करो, क्यों नहीं मैं नहीं जाओ, क्यों नहीं हुआ उसमें नहीं जाओ, नहीं तो ईर्ष्या घृणा एक एक साथी आते हैं। स्वार्थ या ईर्ष्या के कारण भी क्रोध पैदा होता है, अब इससे भी मुक्त बनो। आज का स्लोगन है शांति दूत बन, सबको शांति देना, यही आपका ऑक्यूपेशन है। ओम शांति।